मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़ लाइव। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। अभी वार्ड नंबर 59 में है। वार्ड नंबर 59 की तृणमूल कांग्रेस की कैंडिडेट मोहतरमा जॉली बॉस हमारे सामने में रूबरू है और ये पद यात्रा की तरफ हजारों की तादाद में लोग इनके पीछे हैं। आप देख सकते हैं महिलाएं भी है, जवान भी है, युद्ध भी है, सब चीज है। एक चीज बताइए, जब तृणमूल कांग्रेस ने आपका दोबारा नाम नॉमिनेट किया, नाम अनाउंसमेंट किया, तो आपने कैसा फीलिंग किया था? আমার খুব ভালো লাগছে জি, ভালো লাগছিল যখন আমার নামটা এলো জি, দিদি যখন আমার নামটা আবার রাখলেন জি, কাউন্সিলর হওয়ার জন্য মনে করেছেন উনি, তাই আমাকে আবার প্রার্থী করেছেন জি। আর আমার এটা ভালো লাগছে যে আমি আবার 5 বছর মানুষের পাশে থাকতে পারবো। এক চিজ বাতাইয়ে কি আপনার জিস তরহ সরপ্রাস নিউজ লাইভ নে আমাদের চ্যানেল নে আপকে ওয়ার্ড মে জব সার্ভে কিয়া, तो सर्वे में महिलाओं ने आपके नाम पर बहुत बड़े पैमाने पे क्या है कि जॉली बॉस हम लोग की बहन है, दीदी है, बौदी है, हम लोग उनके साथ हैं, उनको जिताना चाहते हैं, वक्त से पहले हम लोग उनको ही वोट देंगे, ये क्या माजरा था? मतलब क्या काम का आपका स्टाइल है कि सबके जबान पे सबके आप ही का नाम था जॉली बॉस? আসলে মানে আমি এইভাবেই মানুষের সাথে, আমি একজন সাধারণ মেয়ে জি, আমি সেইভাবে সাধারণ মানুষ হিসেবেই আমি সেইভাবে মানুষের সাথে মেলামেশা করি জি, সবার সঙ্গে, মানে গরীব বড় লোক আমার কাছে কোনো ব্যাপার না, সবাই আমি নিজেই সাধারণ জি জি, আমি সেইভাবেই মানুষকে ভালোবাসি। আমি তো বাঙাল কি সিএম ও ভি তো সাধারণ হ্যাঁ জি, উনিও সেইভাবেই মানুষের সাথে মেশেন, তাই জন্যই সবাই ওনাকে চাইছে। তো ইস বার জনতা কে জব দরমিয়ান যা রহি হ্যায়, আপ ভোটারস কে পাবলিক কে দরমিয়ান মে যা রহি, তো ক্যা বল রহে হ্যায় আপকো? আমি বলতে আমি তাদের কাছে বলবো যে পশ্চিম বাংলায় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা উন্নয়নের কাজ করেছেন, সেই উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে মমতা, আমি তো কেউ না, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব, রাইট রাইট, দিদি হি সব চিজ হ্যায়, ওই জন্য দিদিকে আবার আপনারা ভোট দিন জি, আমাকে পাঁচ বছর আমার, আমি মানুষের হয়ে যেন আরো কাজ করতে পারি, লোক কে অন্দর এক উৎসাহ হ্যায়, লোক কে অন্দর জো হ্যায় সব কে সাথ উৎসাহ হ্যায়, हम लोग जॉली बॉस को ही मार्जिन से खेला खेलेंगे जी। তা তো আমি বলতে পারবো না, এখন আমি কমই আমার এমএলএ, কদিন আগে আমাদের এমএলএ ভোট হয়েছিল, তখন আমাদের এমএলএ কে 20400 ভোটে আমি লিড দিয়েছিলাম, এখন আমি কি হবে না হবে সেটা আমি বলতে, मैं थोड़ा जनता की राय ले रहा हूं। জলি বস কে বারে মে আপ ক্যা বলতি হ্যায়? জলি বস কাউন্সিলর, আমাদের কাউন্সিলর, আমরা যখনই ওনার কাছে যাই দোকান বৌদি আমাদের সব সময় থাকবে, বিপদে আপদে রাতে 12টা সময় হলো বৌদি আমাদের কাছে, যখন ডাকি তখন পাই, জলি বস কে আবার চাই, আবার চাই, জলি বস কে আবার চাই। आप तो सारी चीज को देख रहे हैं, सब चीज को लीड करते हैं, वार्ड नंबर 59 की जनता, यहाँ की अवाम खुशनसीब है, बहुत ही लकी है कि जॉली बॉस जैसी काउंसलर, आप जैसा जो है समझिए कि कर्मठ वर्कर बोलिए, लीडर बोलिए, सब चीज है, और 24 आवर्स आप लोग दोनों भी मिलके काम करते हैं, बहुत पर्सन आप लोग काम करते हैं, ये काम करने का जो नतीजा जो आपने असेंबली में देखा है, मगर आप अपने इलेक्शन में क्या कर रहे हैं? मेरा इलेक्शन में तो असेंबली में आपने तो जीत दिलवा दिया, इस इलेक्शन में मेरा टारगेट है 25 से 30 होगा, 25 से 30 होगा, 25 से 30 होगा। ये कौन ऐसा काम है जो अभी 5 साल में आपने कंप्लीट? पानी का काम, लाइट का काम, रास्ता का काम, ड्रेन का काम जी, पार्क बनाया सामने, पार्क सामने, यस यस, तो पार्क बनाया, तो आदमी का जो समस्या है वो काम हम लोग के लिए किया, मेरा काउंसलर क्या एकदम जॉली बॉस जी, तो इसलिए मेरा कोशिश है आदमी के साथ हूँ, आदमी के साथ रहता हूँ, आदमी हमको विमुख नहीं करेगा, नहीं लोग आपसे मोहब्बत करते, प्यार करते, प्यार करते, इसलिए हम भी तो प्यार करते, कि प्यार का विरुद्ध में तो प्यार ही मिलेगा ना। और रॉबिन एक चीज बताइए, और कौन ऐसा काम है जो आप ये 5 साल का मौका अगर जनता आपको बड़े पैमाने पे देती है, फिर से आपको कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भेजती है, तो कौन ऐसा काम जो रह गया जो आप इस बार टर्म में कंप्लीट करेंगे? पिछले बड़ा वार्ड है, हाँ, 34 वर्ष में बरस में कोई काम नहीं हुआ, राइट, तो हम लोग 6 वर्ष टाइम मिला जो साका किया, हाँ, और इस बार नया करके पानी का लाइन बनाना है, नया करके और भी काम है, करूंगा।
ये तो अनडेवलप जो अभी हम लोग जिस हलके में है ये अनडेवलप बस्ती थी, यहाँ को आप लोग मैं देख रहा है एकदम चार चांद लगा दिया, रास्ते बन गए, ये जो रास्ता बना रास्ता ही वाला है, इस मेरे एरिया में मैं आता था मैं सर्वे करता था, सो रास्ता उसका कुछ नहीं था, ये सब तो काम तो बनाया तो जी जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन दा एंड जॉली बॉस और आपकी पूरी टीम का, हम पूरे लोगों को बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है जी। आज हमारे जो कैंडिडेट जॉली बॉस है, शायद ही इनके जैसा कैंडिडेट हम लोग को मिले, क्योंकि ये हर वक्त हर समय आदमी के साथ रहते हैं, इनसे बेहतर काम आज तक मुझे नहीं लगता सीपीएम के अमल में भी हुआ है। आज रोड का हाल देखिए, ड्रेनेज लाइन देखिए, प्लस सबसे बड़ा एडवांटेज गरीब के लिए है जो विधवा भाता, किसी के शादी हो रहा है, कन्याश्री रूपश्री ये सब मिल रहा है हमारे कैंडिडेट के वजह से, तो इनके जैसे कैंडिडेट हम लोगों को आज तक ना मिला है ना ही मिलेगा। आज समझिए तीन साल से हम लोग का बोरिंग खराब था, ठीक है, जो इनका आने के बाद बोरिंग बना, बोलते बोलते थक गए हम लोग, बोरिंग का काम हुआ, ये कच्चा रोड था आप लोग देखे होंगे, ये बना मानना, बहुत सारा लाइट का काम हुआ, आरबी ड्रिंग लाइन काम हुआ, बहुत सारा काम किए, तो आज इंसान इसी के लिए, इंसान को इंसान पसंद नहीं करता, इंसान का काम को इंसान पसंद करता है। देखिए मोहतरम नाजरीन, हम लोग जॉली बॉस के पद यात्रा के सामने मौजूद है, सभी लोग बोल रहे हैं कि लाइटिंग का काम हुआ है, पानी का ड्रेनेज का काम हुआ है, सफाई का काम हुआ है, जिस हम लोग नई बस्ती में है ये वाकई में अनऑर्गेनाइज बस्ती थी, बड़े पैमाने पे काम हुआ है और कॉरपोरेशन के जितनी स्कीम्स है सब स्कीम का पालन हुआ है, ऐसी सूरत हाल में सरप्रस की जब सर्वे कर रही है, जनता के दरमियान जा रही है, तो सभी लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जो है जॉली बॉस को दोबारा जीत के देखें। चलिए हमारे सामने में एक नौजवान है यहाँ के, क्या नाम हो गया आपका? शेख अलाउद्दीन है। शेख अलाउद्दीन साहब, क्या उम्मीद है इस बार? इस बार क्या, हर बार टीएमसी, तो इस बार भी टीएमसी जी, जी जी, जैसा काम वैसा नाम जी, बस टीएमसी जीतेगा, जो काम करेगा 30 से 35 हजार। आप? हम तो बोलेंगे कम से कम 30 हजार तो लीड होगा इस बार। मोदी जो काम किया, काम से खुश है? एकदम बहुत खुश है, हम लोग खुद आंख से हर 5 साल से देखते आ रहे हैं, खुद आंख से देखे। आप ऑलवेज टीएमसी? ऑलवेज टीएमसी। नाम दीदी के नाम के बना पर या काम के बना पर? काम के बिना पर, काम के बिना, काम के बिना पर। आप बोलिए जी, टीएमसी टीएमसी। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, आप दादा बताइए क्या नाम हो गया आपका? अरिजीत दत्त। अरिजीत दत्त जी, एक चीज बताइए, क्या क्या रहेगा इस बार वार्ड 59 में? 59 वार्ड में काम तो बहुत हुआ है जी, हम लोग देखा भी है, जहाँ जहाँ पानी का था किल्लत सॉल्व कर दिया, सॉल्व हो गया, रास्ता भी ठीक ही है जी, ठीक है, चाहता है कि दीदी को दोबारा जो है आप कॉर्पोरेशन में भेज रहे हैं आप लोग। हाँ, दोबारा कॉर्पोरेशन में आए और अच्छा काम करे, और अच्छा काम, और 5 साल उनको मौका दिया जाए, मौका दिया जाए। चलिए देख रहे हैं नौजवान लोग उत्साहित है, हमारे में एक सीनियर शख्स आए, हम उनसे भी बातें कर ले रहे हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम अरविंद माझी है जी, माझी। मैं 59 नंबर वार्ड में रहता हूँ। मैं 59 नंबर वार्ड में की रहने वाला हूँ, लेकिन हम लोग, मेरा तो उम्र कम नहीं हो गया, उम्र तो बहुत हो गया, पिछले हम लोग 34 साल सीपीएम का देखे हैं, और आज पिछले 10 साल से हम लोग, क्या रहेगा वो बताइए, क्या रहेगा, क्या रहेगा, 20 से 20 हजार के ऊपर हम लोग काउंसिल। थैंक यू, थैंक यू। एक सेकंड मान लेते हैं आप।